फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल ऑफ अपर्णा। आज मैं आपके सामने मदर स्टाइल सिंपल एंड सिजलिंग चिकन कड़ी बनाऊंगी, जिसके घर में बच्चे, बुज़ुर्ग या अगर किसी को बीमार है तो वो भी ये खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का फुल्का एक चिकन कड़ी है। तो लेट्स गो, हम चिकन कड़ी बनाना शुरू करते हैं। ये है 500 चिकन और ये है जो उसके साथ बनाएंगे आलू। ये 1.5 पीस आलू है, इसको हमने 4 भाग में काट लिया है। ऑनियन 3 ऑनियन है, इसको भी थोड़ा सा कट पीस कर लिया है। और ये थोड़ा सा गार्लिक, 3 चिली और जिंजर, 1 टीस्पून तेल देंगे। इसमें हम फिर ये डालेंगे साबुत गार्लिक, और ये है साबुत जिंजर, और ये 3 पीस कट ऑनियन। जब तक ये ऑनियन, गार्लिक, जिंजर फ्राई हो रहा है, तब तक हम साइड में चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें हमने 2 टेबलस्पून दही दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कुछ नहीं देंगे, ये सिर्फ दही से ही मैरिनेट होगा। अगर थोड़ा नमक देंगे तो ये पानी छोड़ देगा, इसलिए हम सिर्फ कट से ही इसको मैरिनेट करेंगे। तो फिर से हम जहाँ यहाँ पे ऑनियन फ्राई हो रहा है, हम वहाँ पे चले जाते हैं। हो रहा है तब तक हम इसके अंदर होल स्पाइसेस डाल देते हैं। होल स्पाइसेस में लगेगा 2 पीस दालचीनी, 3 लवंग, 2 इलायची और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमन और ब्लैक पेपर। अब इस पर हम वो स्पाइसेस डाल देते हैं। अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। फिर थोड़ा सा पानी देके इसको पेस्ट करते हैं। तब तक हम 2 स्पून ऑयल देके थोड़ा सा आलू है इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गया, हर तरफ से ब्राउन हो गया है थोड़ा थोड़ा। अभी हम इसको एक प्लेट में उठा लेंगे। उसी गरम ऑयल में हम लोग 3 तेज पत्ता यानी बे लीव्स दे देंगे। बे लीव्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए। ये जो मैरिनेट किया चिकन है, अब इसमें अच्छे से डाल देंगे। मैंने चिकन को इसलिए फ्राई किया है क्योंकि अगर चिकन को हम लोग फ्राई करके रखते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो चिकन टूटता नहीं है। जब तक मेरा चिकन फ्राई हुआ है, तब तक हम ये जो होल स्पाइसेस, ऑनियन, गार्लिक जो हमने फ्राई किया था, जिंजर, हम इसको थोड़ा सा पानी देखो मिक्सर में ग्राइंड करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाते हैं। देखिए चिकन धीरे धीरे से ब्राउन हो रहा है, लाइट ब्राउन। मैंने इसको एक एक बार करके चेंज कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पेस्ट बना लिया है, होल स्पाइस, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर का पेस्ट बना लिया, थोड़ा सा पानी डाल के। और चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया। हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर
அப்படின்னு சார் நமக்கு ஜ देखिए चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। ये अभी ऑयल भी छोड़ रहा है, साइड में दिया है, और अभी इसमें थोड़ा सा कमल पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। देखिए मेरा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया और ऑयल छोड़ने लगा है। इसमें जो फ्राई किए आलू थे उसमें डाल देंगे। अभी इसमें हम पानी दे देंगे, ये दही वाला पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। लो फ्लेम में ढक के देखिए मेरा मदर स्टाइल सिंपल एंड सिजलिंग चिकन करी बन गया है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। Okay, goodbye.